आना इसलिए है कि आप लोगों को रोज देखने के लिए हम लोग अभ्यस्त हो गए थे, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है दोबारा वापस नहीं आएंगे, कहीं और पढ़ने चले जाएंगे। और आप लोगों के लिए कुछ सहपाठी ऐसे होंगे जो अभी मिल रहे हैं और बाद में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक विदाई होता है इसलिए थोड़ा सा दुख का भावना होता है। लेकिन हर्ष का भावना इसलिए है कि आप लोग कुछ ना कुछ बनने के लिए सोचे होंगे कि हमें आगे चल कर ये बनना है, तो ये जो है एक शुरुआत है। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे और आपको उसको पर उसको देते हुए आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब रहा बात की मैट्रिक का जो एग्जाम है वो एक शुरुआत है, लेकिन इसमें नहीं है कि आपको डर जाना है। विकास और सारे सर तो लमसम सारे चीज बता दिए कि आपको ये फॉलो करना है। तो देखिए आपको ना जब भी आप एग्जाम देंगे, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो या फिर आपके लाइफ में चाहे जितने भी एग्जाम हो, आप सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखिए और हर्ष रखिए, मतलब खुशी रखिए, खुशी मन से जाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो डर और चिंता का भावना होता है आपके डाइट को बिगाड़ देगा, बैलेंस को बिगाड़ देगा, और भी मतलब कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग चिंता के मारे क्या होता है चक्कर आ जाता है, खा नहीं पाते हैं, तो बहुत सारा विकार उत्पन्न करता है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा और आप खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम भी आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। देखिए जैसे आप किसी चीज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं, हमको ये नहीं हो पाए, गलती नहीं हो पाए, तो वो गलती अवश्य होता है। तो क्या होता है ना कि ये जो खुशी होता है और भरोसा होता है, सब पॉजिटिव भावना है, और जो पॉजिटिव भावना है आपके साथ होता है तो आप जरूर वहाँ पे सफल होंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा, और इसमें कुछ नहीं है, आप जो सर बोले कि आप नियमित ढंग से खाइएगा और जिसको थोड़ा बहुत फल का जूस वगैरह पी के जाइएगा, ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और थोड़ा बहुत जरूर पढ़िएगा, ज़्यादा ये नहीं है कि गए हॉस्टल में और सर ने जैसा बोला बहुत लोग हैं आराम से रहते हैं हमको नहीं पढ़ना है हो गया बोला, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। और जैसे इधर एग्जाम आप लोग 1 से 10 तक जितना दिए हैं टेस्ट वगैरह जितना दिए, बस समझिए कोचिंग का टेस्ट है, 3 घंटा का टेस्ट दिया गया है, एकदम से फ्री मन से देना है एग्जाम, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। और आप लोग का मेरा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, हम जब 3 घंटा का आप लोग का टेस्ट हुआ था तो कॉपी चेक कर रहे थे, तो बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो क्वेश्चन था वो सीरीज वाइज में नहीं बनाए थे, ठीक है, बहुत से बच्चे बनाए थे और बहुत से बच्चे नहीं बनाए थे। क्या होता ना उस टाइम जैसे फर्स्ट का आंसर आया तो एक यहाँ पर बना दिए, जैसे कोई एक ग्रुप ए करके आता है जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग में देता है या फिर अनुवाद है, तो कुछ बच्चे ऐसे थे ना जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहले A1 2 बनाए थे, उसके बाद निबंध लिख दिए, फिर 3rd 4 ऐसे करके बनाए थे। अब उससे क्या होता है ना कहीं ना कहीं आपके नंबरिंग को कम करता है, हो सकता है एग्जाम में 1st 2nd देखा फिर निबंध देख लिया उसके बाद उसका ध्यान नहीं गया, वो उसके हिसाब से आपका नंबर बैठा दिया। तो जब भी कीजिए तो अगर कोई क्वेश्चन दिया जैसे एक अनुवाद दिया है या फिर क्वेश्चन आंसर दिया है तो उसको आप एक साथ लिखिए, ठीक है, एक साथ क्वेश्चन को एक साथ लीजिए, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करता है तो मान लीजिए कि दिन क्वेश्चन लिखा है तो दिन क्वेश्चन में देखता है 6 क्वेश्चन बनाया है बच्चा तो 6 का नंबर दे देगा, और फिर हट हट के नहीं देगा, उसका सीरीज को मत तोड़िए। दूसरा नंबर आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर पूरा पकड़ बनाइए, क्योंकि अपने आप में 40 नंबर बहुत हद तक बहुत अच्छा नंबर है, अगर आप 40 ले आते हैं तो बाकी का 40 इधर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और बाकी का तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, बस उसको अभ्यास करते रहिए, ठीक है।